اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مفن ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز شروع کرتے ہیں فرسٹ کوشچن ہے جی آپ پلاننگ اپروچ دیٹ کیریز ان بلٹ فیچر آف ریویو at a different step during execution of the plan is called rating scale hai comparative method hai essay hai aur mbo hai management by objective hai to dosto maine iska waise management by objective lagaya hai lekin review ke liye jo hai wo comparative method use kiya jata to isliye comparative method jo second wala wo iska theek jawab hai नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लर्निंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन है प्रिजर्वेशन है रिपीटिशन है और रिलीवेंस है तो इसमें जो है हमारा प्रिवेंशन वो हमारा लर्निंग प्रिंसिपल मतलब नहीं होता पार्टिसिपेशन भी रिपीटिशन भी और रिलीवेंस जो है ये तीनों जो है बेसिकली लर्निंग प्रिंसिपल है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ द वर्क Fourth, organization should intensify their effort of recruitment. Let's focus on their recruitment expenses. Rely on technology and hire minimum number of employees. तो इसमें जो first वाला है वो हमारा ठीक जवाब है intensify the effort of recruitment. इसी तरह हमारा fourth question है providing training and development opportunities and career information and programs are all part of इंडिविजुअल रोल इन करियर डेवलपमेंट इंडिविजुअल है मैनेजर है सुपरवाइजर एंड कंपनी है तो यहाँ पे इंडिविजुअल फर्स्ट वाला जो है वो हमारा ठीक जवाब आ जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है जी व्हाट इज एन अदर टर्म यूज्ड फॉर 360 डिग्री फीडबैक 360 फीडबैक बेसिकली दोस्तों ये होता है कि चारों साइड से जो है हमें फीडबैक मिल रहा होता तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फीडबैक लूप मल्टी सोर्स में असेसमेंट और अपवर्ड रिपोर्टिंग है और राउंड कम्युनिकेशन है तो आई थिंक इसमें जो है मल्टी सोर्स असेसमेंट क्योंकि हमें चारों तरफ से जो है वो फीडबैक मिल रहा होता है या असेसमेंट कर रहे होते हैं मल्टी सोर्स के थ्रू तो ये हमारा सेकंड वाला जो है इसका ठीक जवाब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी परफॉर्मेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट ओनली नीड्स टू बी एबिलिटी एंड एफर्ट ऑफ एन एम्प्लॉय बट ऑल्सो कंसर्न ऑफ द अदर स्टेक होल्डर इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड हायर मैनेजमेंट है मॉनिटरी रिवार्ड फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट है टाइट सुपरविजन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट है और फ्रेंडली रिलेशन विद द टॉप मैनेजमेंट है तो इसमें सेकेंड वाला जो है मॉनिटरी रिवार्ड फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट ये इसका ठीक जवाब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज करंट जॉब फॉर करंट जॉब एंड डेवलपमेंट इज द फॉर द फ्यूचर जॉब ट्रेनिंग फॉर द फ्यूचर जॉब एंड डेवलपमेंट इज फॉर द करंट जॉब ट्रेनिंग इज द मिडिल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इज द टॉप मैनेजमेंट और लास्ट में है जी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो हमारी करंट जॉब के लिए होती है और जो डेवलपमेंट है वो फॉर द फ्यूचर जॉब होती है तो इसलिए हमारा जो है फर्स्ट वाला ट्रेनिंग इज फॉर द करंट जॉब एंड डेवलपमेंट इज फॉर द फ्यूचर जॉब ये हमारा ठीक जवाब आ जाएगा एट नंबर पे क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू विच मेथड ईच जॉब इज असाइंड टू ग्रेड कैटेगरी प्रोवाइडिंग द क्लोजेस्ट मैथ मैच टू द जॉब इसमें रैंकिंग मेथड है क्लासिफिकेशन मेथड है और फैक्टर कंपैरिजन मेथड है और लास्ट में जो है वो पॉइंट फैक्टर मेथड है तो हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन मेथड आ जाएगा सेकंड नंबर पे नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी हु इज द प्राइमरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द एक्चुअल अप्रेजिंग ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस तो इसमें फर्स्ट जो है द एम्प्लॉय डायरेक्टर सुपरवाइजर है द कंपनी अप्रेजर है द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है और द सीईओ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है कॉन्टैक्ट पर्सन है तो इसमें जो हमारा थर्ड वाला है द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा जी
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट ओनली अ मेयर इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर ओनली द पर्पस टू इंश्योर टारगेट कंप्लायंस बट स्कैनिंग द एम्प्लॉय एंड डायग्नोज द डेफिशिएंसीज सो दैट दे मे बी रेक्टिफाइड. द कॉन्सेप्ट इज रेफर टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय प्रमोशन है, एम्प्लॉय लर्निंग है एंड एम्प्लॉय मॉनिटरिंग है. तो मैंने जो इसका लगाया वो थर्ड लगाया एम्प्लॉय लर्निंग, तो एम्प्लॉय लर्निंग जो है वो इसका ठीक जवाब बनते हैं. दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT501 का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. मेरा चैनल देखते रहिए, मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए जिसका URL है www.vussss.com. मैंने इस पर फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया, उम्मीद है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. मेरा चैनल देखते रहिए और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.